Hey guys, welcome back to our channel, मैं हरपाल और मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। बहुत दिन से मेरे बाल थे रूखे रूखे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये ऑयलिंग आपको वापस दिखा दूँ कि मेरे हेयर पर केयरिंग मैं कौन से ऑयल से करती हूँ और प्लस मैं कौन सा शैम्पू लगाती हूँ, तो बाद में दिखाऊंगी। बट मैं अब मेरे हेयर इतने सॉफ्ट और इतने सिल्की, आप लोगों को जो बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो क्यों लगते हैं और मैं क्या चीज़ लगाती हूँ, तो आप लोगों को पता है कि मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ हफ्ते में 2-3 बार। तो आज भी मैं हेयर ऑयलिंग आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से करती हूँ और मेरे बाल इतने सिल्की और सॉफ्ट कैसे हैं। तो ये वीडियो अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा टू मेहरपाल और मेरे इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो करना भूलना नहीं मेरे दोस्तों, फटाफट से जाइए फॉलो कर दीजिए। MS टकाटक को भी फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि अपने बालों को अच्छी तरह से हेयर ऑयलिंग आप करोगे तो आपके बाल ग्रोथ होंगे और नहीं करोगे तो आपके बाल बहुत बेकार होंगे। मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट एंड थिक है, पीछे से भी आप देख सकते हैं, पूरा अपने बालों को दिखा दूँ और कितने लंबे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं कटवाती हूँ ना तो मेरे बाल बहुत लंबे रहते हैं, बट मुझे ऐसे छोटे बाल बहुत पसंद है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेट्स गो गाइस। ऐसे दो मांग फाड़ लेंगे पीछे से आगे से, आपको पीछे से फाड़ लेना है। अब हम बालों को लगाएंगे एक तरफ इस तरह का क्लिप लगा लेंगे, बालों को सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। पूरा देखो हेयर मैंने ले लिया है। अब हथेलियों पे हम लेंगे ऑयल, इस ऑयल को, ये पैराशूट ऑयल है, इसमें मैं कुछ भी मिक्स नहीं करती हूँ, नॉर्मल ऑयल। अब आपको क्या करना है, ये जो बालों की जड़ें हैं बीच में, उसमें आपको क्या करना है, लगाते रहना, एक ही बाल को इस तरह से लगाना है ताकि जड़ों तक अपना ऑयल पहुंच सके। इस तरह से मैं अपनी बालों की केयर बहुत करती हूँ क्योंकि आप लोगों को पसंद है, इसलिए मुझे करना पड़ता है और मुझे भी मेरे बालों की केयर बहुत अच्छा लगता है करना, चम्पी करना। तो ये इस तरह का आपको केयर करना चाहिए। अब हम हमेशा लोग सोचते हैं जड़ों में नहीं, ये जो नीचे रहता है ना, इसको तेल बहुत ज़रूरी है पहुँचना, तो ये इस पर तेल पहुँचना चाहिए। बताऊंगी पहले सिंपल तेल लगा देना, हथेलियों पे करना है। अब हम करेंगे बाल को ऊपर से, इसको कर लेंगे हम इस तरह से होल्ड, हम इस बाल को होल्ड देंगे, उसको भी सेम इसी तरह से कर लेंगे, इस तरह से मैं कर लूँ जड़ों को तेल पहुँचना ज़रूरी नहीं होता है, नीचे बालों में लग जाए वही ठीक है। हमारा मेन पार्ट होता है ये हमारा बढ़ता है, अंदर से नहीं बढ़ता है, नीचे से बढ़ता है। लोगों को लगता है अंदर से बढ़ता है, अंदर से नहीं बढ़ता है, नीचे से बढ़ता है। गाइस तो दोनों मैंने दोनों पार्ट को लगा लिया है, अब इसको हल्के हाथों से हम करेंगे इस तरह का मसाज, पूरा नीचे ऊपर से नीचे की ओर इस तरह का आपको मसाज कर लेना है। ये देखो और ये देखो, इस तरह का आपको पूरा जड़ों में तेल जाना चाहिए और हमारा पोषण हमको जितना मिलना चाहिए। कोई लोग विटामिन सी विटामिन डी गोली डाल के लगाते हैं इसमें, वो मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल सा अपना नारियल का तेल है वो यूज़ करती हूँ। उस तरह का अगर तेल आप भी यूज़ करो, हजार चीज लगाने से हेयर आपको ग्रोथ नहीं होता है, इसीलिए इस तरह का चम्पी करते रहने का आप लोग। तो ये चम्पी इस तरह की हो गई है। अब हम चाहे लोग बोलते चोटी बना लो बाल लंबे हो जाए, नहीं, बालों को ऑयल को जाना चाहिए ना जड़ों में या फिर कहीं पे भी हो,
उसको थोड़ा सा खुला रखने के लिए हमको करना पड़ेगा इस तरह का बन। मैंने बना लिया है, अब इसको लगा लेंगे हम ठीक आप तो। और मैं रात भर ऐसे छोड़ती हूँ और वॉश करती हूँ दूसरे दिन वॉश करने के बाद बाल मेरे बहुत अच्छे सिल्की सॉफ्ट सब हो जाते हैं। अगर आपको इस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझसे मतलब जो भी ट्विस्ट एंड ट्रिक ले सकते हैं, इसके लिए आप मैसेज करें इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी करके पूछ सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको देखना है तो लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना टू मेहर पार। और मैंने इंस्टाग्राम और एम एस टकाटक की आईडी को फॉलो करना भूलना नहीं। और मेरा एक इतना प्यारा सा चैनल है, दूसरे चैनल का नाम है मेहर की दुनिया, तो वहाँ पे जाइए फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी यहाँ पे मिस कर रहे हैं वो यूट्यूब की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा स्टॉप हो चुका, तो आप डोंट माइंड, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं कहाँ पे, मेहर की दुनिया पे। तो चलिए फटाफट से ज्वाइन हो जाइए और लाइफ का आप मजा लीजिए। जब तक ज्वाइन नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा आपको मुझे देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहेगा, सुरक्षित रहेगा और मेरी वीडियो को देखना जरूर। बाय।